हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे स्टॉक ऑफ द वीक के बारे में। इस हफ्ते का हमारा स्टॉक ऑफ द वीक है आफल इंडिया या आफले इंडिया, जो भी आप बोलना चाहें, AFFLE इंडिया। ठीक है, तो इस स्टॉक के बारे में हम आज क्यों बात कर रहे हैं, ये एक IT सेक्टर का कंपनी है और जो IT इंडेक्स है वो अच्छा दिख रहा है, उसमें कुछ अच्छे पैटर्न हमें दिख रहे हैं। तो IT इंडेक्स के चार्ट में हम देख सकते हैं ये एक कप एंड हैंडल के पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट होके अभी रिटेस्ट कर रहा है चार्ट। तो इस वजह से मैंने इस हफ्ते के स्टॉक ऑफ द वीक के लिए IT सेक्टर के इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया है। तो चलिए पहले देख लेते हैं स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल्स के लिए मैं स्टॉकेज को यूज़ कर रही हूँ, यहाँ से मुझे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन कम वक्त में एनालिसिस करने में आसानी हो जाता है। तो जैसा कि मैंने बोला, ये स्टॉक जो है ये IT सेक्टर से बिलोंग करता है और स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है। और अगर हम मार्केट कैप देखें तो ये 22,393.79 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। स्टॉक का EPS मतलब अर्निंग पर शेयर जो है वो है 22.65, PE है 70.49। इसको अगर हम लोग इंडस्ट्री PE से कंपेयर करें, इंडस्ट्री PE हो जाता है 56.99। तो कंपेरेटिवली थोड़ा सा प्राइसी है स्टॉक। और स्टॉक का अगर हम ग्रोथ पैटर्न देखेंगे तो हम देख सकते हैं नेट सेल्स जो है वो एवरी ईयर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। एबिट्टा को अगर हम नोटिस करें, एबिट्टा भी हमें एग्जैक्टली सेम पैटर्न में ही दिख रहा है, ये कंटिन्यूसली हर साल बढ़ रहा है। और अगर हम नेट प्रॉफिट को भी देखेंगे, ये नेट प्रॉफिट भी हर साल इसका बढ़ रहा है। 2023 से अगर हम मार्क करें, ये 245 करोड़ था, 2024 में 297 करोड़, और 2024-2025 का जो अभी रिसेंट क्वार्टर में ये 318 करोड़ का है। विस्कैंस में चलेंगे और फंडामेंटल स्कैंस देखेंगे, इसमें हम देख सकते हैं स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी हाई है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी हाई है। और क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, एबिट्टा ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है और एनुअल EPS भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे प्लेस परसेंटेज हम देख लेंगे, प्लेस परसेंटेज भी कंपनी का जीरो है, मतलब कोई भी शेयर इनका गिरवी नहीं है। इस कंपनी में DII शेयर होल्डिंग कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, FII का शेयर होल्डिंग कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और म्यूचुअल फंड्स में शेयर होल्डिंग भी बढ़ रहा है। तो ये सब देख के मुझे लग रहा है कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी में जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बिग बुल्स हैं, इनका इंटरेस्ट अभी आ रहा है। अगर बिग बुल्स की बात करें कौन कौन है इसमें, तो हम देख सकते हैं मालाबार फंड और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, ये दो बिग बुल्स कंपनी में हैं। म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को अगर हम नोटिस करेंगे तो हम देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े नाम इसमें इंक्लूडेड हैं। चलिए एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को भी देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देख सकते हैं प्रमोटर्स के पास 55.14% है। तो प्रमोटर्स ने थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी धीरे धीरे यहाँ पे डिक्रीज किया है, लेकिन ये सेम क्वांटिटी पब्लिक के पास आ रहा है। तो हम देख सकते हैं FII ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है कंपनी में, DII ने भी अपना होल्डिंग बढ़ाया है और रिटेल से भी जो कम हुआ है क्वांटिटी, अगर आप नोटिस करेंगे रिटेलर ने भी थोड़ा सा क्वांटिटी कम किया है, यहाँ पे सेल हुई है, लेकिन ये भी क्वांटिटी जो FII और DII हैं वो इनके पास ही गया है। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें अभी इंटरेस्टेड हैं। तो जनरली ऐसा होता है, जब बड़े इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होते हैं कोई कंपनी के शेयर्स में, तो वैसे शेयर में मूवमेंट अच्छी देखने को मिलती है। तो चलिए अभी हम लोग फाइनल पार्ट में चलेंगे, मतलब हमारे एज रिपोर्ट में। एज रिपोर्ट में आप जनरली बहुत सारे कॉन कॉल्स, जो भी रिसेंट कॉन कॉल हुआ है वो सब आप उसमें देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करें तो पूरा जो रिपोर्ट है, कॉन कॉल का समरी है, आप इस रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम एक और चीज़ अच्छा देख सकते हैं, ये है सेंटिमेंट स्कोर। और आप देख सकते हैं कंपनी का सेंटिमेंट स्कोर ऑलमोस्ट 1 है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव, मतलब शेयर होल्डर का इस कंपनी के प्रति जो नज़रिया है वो अभी काफ़ी अच्छा है। सो स्टॉकेज में ऐसा बहुत सारा एनालिसिस आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में यहाँ पे दिया हुआ रहता है। और इसके साथ साथ आप स्टॉकेज में बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब आप स्कैन्स कर सकते हैं जिससे आप स्टॉक आइडेंटिफाई आसानी से कर सकें। उसके साथ साथ आपको बहुत सारे न्यूज़ अपडेट्स इसमें मिल जाते हैं, कौन से IPO नए आ रहे हैं उसके अपडेट्स आपको मिल जाते हैं,
क्या डील्स हो रहा है शेयर्स वगैरह में, क्या हो रहा है वो आपको पता चल जाता है। आपको इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ मिलते हैं। अगर आप डेरिवेटिव में काम करते हैं तो डेरिवेटिव एनालिटिक्स आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप इसमें स्कैन्स भी कर सकते हैं। देखिए ये स्कैन्स जो है, इसमें आप बहुत सारे स्कैन्स कर सकते हैं, जैसे प्राइस स्कैन, वॉल्यूम स्कैन, टेक्निकल स्कैन, फंडामेंटल स्कैन, बहुत कुछ आप इसमें कर सकते हैं। और अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में वर्क कर रहे हैं उसके लिए भी आपको अलग से स्कैन मिल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप स्टॉकेज को यूज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, और आप अगर उस लिंक से स्टॉकेज को डाउनलोड करते हैं और हमारा कोड यूज़ करते हैं Magic35, तो आपको 35% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा इसके सब्सक्रिप्शन में। और ये बहुत ही कम प्राइस में आता है। मान लीजिए कोई स्टॉप लॉस आपका कट गया तो उतना लॉस आपको हो जाता होगा, बस उतना प्राइस में आपको ये स्टॉकेज पूरे साल के लिए मिल जाएगा, और इतने सारे फीचर्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करें और हमारा कोड यूज़ करें Magic35, और इसके एनुअल सब्सक्रिप्शन पे 35% का डिस्काउंट भी पा लें। चलिए अभी चलते हैं हमारे फेवरेट पार्ट, टेक्निकल एनालिसिस में। पहले हम स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, और आप देख सकते हैं ये जो जोन है 1490 से 1510 का, ये स्टॉक के लिए पहले एक रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया कप पैटर्न से स्टॉक में ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। यहाँ पे हम ये भी नोटिस कर सकते हैं इस बीच काफ़ी अच्छा वॉल्यूम में ट्रेड हुआ है। और अगर हम RSI को भी देखेंगे तो RSI काफ़ी बुलिश है, अराउंड 73-74 अभी चल रहा है। चलिए स्टॉक को अभी डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम नोटिस कर सकते हैं स्टॉक में जो फ्राइडे का वॉल्यूम है ये काफ़ी अच्छा वॉल्यूम में ट्रेड हुआ है, और यहाँ पे ये ब्रेकआउट का कैंडल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ा बना है। इस बीच अगर हम RSI को भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में भी RSI काफ़ी बुलिश है, और अभी 69-70 के आसपास चल रहा है। और अगर हम यहाँ पे 20 EMA प्लॉट करें तो आप देख सकते हैं स्टॉक ने जब भी 20 EMA को टच किया है, आप देख सकते हैं यहाँ से अपमूव मिला है उसको। देखिए इस जगह पे भी स्टॉक 20 EMA के आसपास आया है, अपमूव मिला है। यहाँ पे भी 20 EMA के पास आने के बाद स्टॉक में अपमूव देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है अभी भी स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ सकता है 20 EMA तक। किसी भी रीज़न से स्टॉक में अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होता है और स्टॉक ये 1507-1510 के लेवल तक पहुंचता है, या फिर 20 EMA के पास भी, मतलब स्टॉक अगर थोड़ा नीचे आता है तो वो 20 EMA के आसपास पहुंच सकता है, तो इस लेवल पे हमें मिलता है तो स्टॉक में हमें एक अच्छा पोजीशन मिलेगा एंट्री करने का, और उस केस में हमारा पहला टारगेट तो हो जाएगा 1635 के लेवल पे, जो कि इस कैंडल का हाई है। और नेक्स्ट टारगेट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कप जैसा पैटर्न बना है, तो हम इस कप के पैटर्न का डेप्थ को कंसिडर करेंगे दूसरे टारगेट के लिए। तो इसको अगर मैं रेजिस्टेंस के ऊपर प्लॉट करूँ तो हमें अगला टारगेट हमारा मिल जाएगा 2150 के लेवल पे। अगर हम मेज़र करें हमारे एंट्री के लेवल से, मतलब अराउंड रिटेस्ट के आसपास के लेवल से, तो करीब 42-45% का यहाँ पे टारगेट हमको मिल सकता है। बट ये भी है कि ये टारगेट अचीव होने के लिए 6-8 महीना लग सकता है, तो थोड़ा सा अगर लॉन्गर टारगेट है आपका तो आप ये स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान में रखें, ये हमारी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग का सजेशन नहीं है। अगर आपको लग रहा है आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए तो एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ कीजिए, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।